आज जो है हम चेयर का एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो पार्ट टूट गया तो उसको कैसे चेंज करें, कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है। इसको हम हमारे लैंग्वेज में गुटका कहते हैं, वो खाने वाला गुटका नहीं है ये आपकी जो चेयर में लगता है, ये जो बैक और सीट को ज्वाइन करता है वो वाला गुटका है, ठीक है। तो अगर ये टूट गया तो इसको रिप्लेस कैसे करना है, और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? वो हमारे पास मिल जाएगा आपको, अगर टूट गया तो आप हमसे लेके भी चेंज कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया हम डिलीवर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको देखते हैं चेंज कैसे करना है, और ये अलग से गुटके दिखते कैसे हैं मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। और जब हम डिलीवर करते हैं तो प्रॉपर पैकिंग में जाता है बहुत अच्छे तरीके से, और काफी जगह हमने डिलीवर करा भी है पैन इंडिया में, और कस्टमर्स काफी हैप्पी है हमारी सर्विस से। तो आपको चाहिए हो तो आप हमसे ले सकते हैं, ये है आपके, ठीक है। अब इसको चेंज कैसे करना है वो देखते हैं। तो ये तो सही है, तो फिर भी मैं इसको दिखाता हूँ, आप इसको अगर टूट गया है तो उसको अलग कैसे करेंगे, खोलेंगे कैसे, और दूसरा वाला हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जो है अभी टूल टेबल की तरफ चलना पड़ेगा, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका जब टूटा होगा तो वो यहाँ कहीं से टूटा होगा, ठीक है, इस पोर्शन से, या कहीं से भी टूटा हो, खोलने का एक ही तरीका है। सबसे पहले हमें ये तीन बोर्ड्स खोलने पड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पे दो बोर्ड लगे हैं, अभी ये बटन्स लगे हैं, बटन हटा के फिर वो खोलने होंगे। तो एंड तक वीडियो पे बने रहना, सो दैट आप बिना किसी दिक्कत के बहुत ही इजीली ये पार्ट चेंज कर पाएं, और आपको पूरी चेयर चेंज करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ थोड़े से ही खर्चे में आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। तो इसको खोलते हैं, इसके लिए यहाँ पे 10 नंबर की चाबी लगेगी, बट हो सकता है आपके जो चेयर में कोई और टूल कोई और बोल्ट लगे तो अकॉर्डिंगली आपको टूल चूज करना पड़ेगा, बट हमारी चेयर है या मोस्टली चेयर में 10 नंबर की चाबी लगती है। 10 नंबर की चाबी से इसको खोलते हैं। तो ये मैंने 3 बोल्ट खोल दिए हैं तीनों, ये हो गया। तो अगर आपका ये टूटा हुआ था तो आप इसको हटा लेंगे, ये अपने आप हट जाएगा टूटा हुआ। और दूसरा हमें कहाँ से खोलना है, यहाँ से खोलना है, बटन हटा देता हूँ मैं। ये बटन के नीचे जो है ये बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कैसे खुलेंगे आपके, ये खुलेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एल की, ठीक है। तो इसके लिए एल की चाहिए होगा, इसमें तो एल की ही मिलेंगे आपको, यहाँ पे आपके जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो भी असेंबलर हैं वो कोई और बोर्ड लगा सकते हैं, बट ये वाला आपको मोस्टली एल की ही लगेगा। तो एल की बोर्ड से खोलना है हमें, ये जिसमें जो एल की लगेगी वो 6 mm की लगेगी, ठीक है। अगर आप मार्केट से परचेस करने जाएंगे तो आप हार्डवेयर की दुकान पर कह सकते हैं कि भैया मुझे 6 mm का एल की चाहिए। तो थोड़ा टाइट है, तो ज्यादा टाइट होता है तो हम हाथ से खोलने की कोशिश करते हैं तो खुलता नहीं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी आपके पास ये टी वाला टूल है उसको इसमें फंसाएंगे और उसकी हेल्प से फिर आप इसको घुमा सकते हैं, अब आपका कम एफर्ट लगेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं सो दैट आप इजिली इसको खोल पाएं। तो मैंने ऐसे खोल लिया, इसको हल्का ढीला कर लिया, अब दूसरे वाले को भी आप ऊपर लगाएंगे और इसको कर सकते हैं। तो ये 6 mm वाली हल्की लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों मैंने खोल दिए, अब इसको आप संभाल के रखेंगे, क्योंकि जब आप इसको दूसरा लगाएंगे, मान लीजिए टूटा हुआ था, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और जो नया वाला है वो ले आते हैं। ये दो है, तो इसमें ध्यान रखना है, जो आपका लेफ्ट में था ना, सॉरी ये लेफ्ट में था वो लेफ्ट में ही लगेगा, और जो राइट में होता है वो राइट में ही लगेगा, तो ये इंटरचेंजेबल नहीं होते। तो मान लीजिए हमारा जो है लेफ्ट का टूटा था, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला ही इसमें हम लगाएंगे। अब लगाना कैसे है, सेम वैसे जैसे हमने खोला था, पहले इसके जो होल्स है वो आप थोड़ा इसको साफ कर लेंगे, ये पॉइंटेड टूल से इसमें ये होल क्लियर कर देंगे, ताकि ये जो बोल्ट है आराम से इजिली घुस पाए। अब इसको पहले यहाँ पे टाइट नहीं करना है, पहले इसको बैक में ही टाइट करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ फंसाया, अब मैं क्या करूँगा, पॉइंटेड टूल से एक बार होल मैच कर लूंगा, सो दैट इजी रहे। होल मैच किया मैंने, अब इसको एल की से घुमा के उसमें फंसा लेंगे, एक फंसा लिया हमने तो उसको पूरा टाइट नहीं करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरे वाले को भी हमें फंसाना है। अभी हल्का हल्का फंसा लिया हमने, अब इसके बाद क्या करेंगे, फुल टाइट करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो फिर से वही इस टी को आप इसमें फंसा के इजीली कर पाएंगे टाइट। टाइट करते समय ये ध्यान देना है कि आप बहुत ज्यादा ही जान मत लगा दे लग जाना, तो ये जो बोल्ट है वो अंदर टूट के अंदर घुस जाएगा। तो जहां आपको लगे कि हाँ ये टाइट हो गया है, वहां पर ही आपको छोड़ देना है, यानी कि उसको पूरा ही जान लगा रहे, और हल्का भी टाइट नहीं करना है, फुल टाइट जहां तक हो सके वहां, उससे ज्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना। अब ये जो है फुल टाइट हो गया है, इससे ज्यादा लगाएंगे तो वो किसी काम का नहीं है, वो आपका उल्टा तोड़ देगा। अब इसको भी इसी तरह फुल टाइट कर लेना, तो ये भी फुल टाइट हो गया है, ठीक है, मैंने इसको भी फुल टाइट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, अब जो है हम क्या टाइट करेंगे, अब ये यहाँ पे टाइट करेंगे, यहाँ जो हमने 3 बोल्ट खोले थे, इसको फिर से पॉइंटेड टूल की हेल्प से मैच कर लेना, उसके बाद टाइट करेंगे। एक टाइट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, दूसरे वाले को पॉइंटेड टूल से मैच करना है, और फिर दूसरा वाला, फिर ऐसे ही तीसरा वाला, ठीक है, एक एक करके आप कर लेंगे, और फुल टाइट नहीं करना है, पहले फंसा लेंगे उसके बाद ही फुल टाइट करेंगे। तो
तो इसको आप फुल टाइट कर लेंगे आप, ये तीनों बोर्ड्स मैंने फुल टाइट कर दिए हैं, आप भी अपने फुल टाइट कर लेंगे। ये हो गया फुल टाइट। अब ये जो हमने बटन्स निकाले थे यहाँ से, तो इसको आप दोबारा से लगा देंगे, ये जस्ट प्रेस करना है और कुछ नहीं। हाँ, तो इस तरह से हमने जो है चेयर का जो गुटका है वो चेंज कर लिया। अब जब आप इसको बैक को मूव करेंगे तो आप आराम से यूज कर पाएंगे, वो जो आपका बैक टूट गया था, ये जो जॉइंट टूट गए थे सिल्वर जॉइंट्स, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ से लॉक कर दे रहा हूँ, लॉक करके भी आप यूज कर पाएंगे। और इसका ब्रेक होने का वो जो रीजन है वो क्या होता है, उसके लिए आप एक बार वीडियो रेफर कर लेंगे यहाँ पे जैसे बताया हुआ है, सो दैट अब से आपका जो है वो जो सिल्वर जॉइंट है वो ब्रेक ना हो और लॉन्ग टर्म तक आप यूज कर पाए। ठीक है, तो चैनल एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में रेफर कीजिए। और अगर कोई पार्ट्स वगैरह चाहिए, खाली सिल्वर जॉइंट से नहीं, कोई भी पार्ट चाहिए चेयर के रिगार्डिंग, वो हम देते हैं, तो आप हमसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।